फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज क्लास 11th के आईपी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1, यानी कि दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जो चैप्टर है उसका एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर मेमोरी को लेकर के। दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियोस आपके सिस्टम तक इजीली पहुंच सकेंगे। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर मेमोरी यूनिट को लेकर के। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का मतलब क्या हो गया? देखिए, हम लोग जब भी अपना डेटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं तो वो कितने बिट में डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, यानी कि 1 और 0 को ही समझता है। तो दोस्तों, वो 1 या फिर 1 0 जो अपने पास होता है वो कितना स्पेस मेमोरी में रहेगा, एक ब्लॉक लेगा। एक ब्लॉक जिसमें केवल 1 आएगा या केवल 0 आएगा, मतलब जो आपके पास एक ब्लॉक जिसमें या तो आपकी जो इलेक्ट्रिक पल्स है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप स्टोर करते हैं, उस एक छोटे से एरिया को आप क्या बोल सकते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, बिट। तो दोस्तों, 0 और 1 जो अपने पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। इसी तरीके से अगर आपके पास दोस्तों कुल मिलाकर के 4 डिजिट्स होती, चाहे वो 1111 हो या 1000 हो, कोई भी लाइक 4 डिजिट्स आपके पास है जिसमें 0 या 1 का कॉम्बो हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक निब्बल। ओके, इसी तरीके से दोस्तों जब आपके पास में 8 बिट होती है, यानी कि अगर आपके पास में 2 निब्बल अगर आपके पास होती है, 8 बिट जो होती है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 बाइट। जनरली दोस्तों हम लोग यूज जो करते हैं वो 1 बाइट होती है, हम लोग बाइट को एक्सेस करते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम सारा काम करता है बिट्स में। 8 बिट की जो है अपने पास बनता है 1 बाइट। इसी तरीके से दोस्तों अपन कह सकते हैं 1024 बाइट, मतलब 1024 × 8 बिट अगर अपन कहें तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 किलोबाइट। दोस्तों, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं अपने पास, 1024 बाइट। इसी तरीके से 1024 किलोबाइट जो होता है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं मेगाबाइट, यानी कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट अपने पास होते हैं। 1024 MB मिलकर के बनता है दोस्तों 1 गीगाबाइट, 1 GB, जिसको अपन कहते हैं, जनरली अपन यही यूज लेते हैं। आपके मोबाइल में भी कुछ जीबी तक का आप स्टोरेज मिलता है, लाइक 64 GB हो सकता है, 128 हो सकता है, उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो ये आपके पास जो है जीबी, यानी कि गीगाबाइट। अब दोस्तों 1024 GB मिलकर के बनता है अपने पास 1 TB। टेराबाइट टीबी, जैसे आप जानते हो जो एक्सटर्नल आपके पास हार्ड डिस्क है या कुछ पेन ड्राइव भी, आजकल 1 TB तक की पेन ड्राइव भी अवेलेबल है मार्केट में। इसी तरीके से आपके पास जो हार्ड डिस्क होती है वो अपने पास 1 TB है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपने पास जो है वो 10 TB की और 20 TB तक की अभी कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर अपन कहते हैं 1024 TB, तो दोस्तों उसको अपन कहते हैं 1 PB। अब देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहां तक, एटलीस्ट आपको पेटाबाइट तक तो पता होना ही चाहिए। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों टेराबाइट तक कोई सपोर्ट किया जा रहा है, जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो टेराबाइट तक को अभी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी होते हैं, तो वहां पर उनका जो स्टोरेज है वो थोड़ा ज्यादा होता है, सपोर्ट ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं पेटाबाइट होता है, पेटाबाइट के बाद 1024 PB मिलकर के बनता है 1 ZB बनता है, 1024 ZB मिलकर के 1 YB बनता है, 1024 YB मिलकर के 1 BrontoByte बनता है, 1024 BrontoByte मिलकर के 1 GB बनता है। तो दोस्तों, ये आपके पास है कुछ कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती है उनका यूनिट, मतलब उसको किस तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिंपल सा टॉपिक था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जिसको अपन बोलते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी को ही आप इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं, और आप इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल सकते हैं। मेन क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से प्राइमरी क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी पे ही सारा काम आता है, वर्कलोड मेन इसी का होता है प्राइमरी। क्योंकि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो बूट जब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पहले लोड कहां होता है, रैम में। कोई भी डेटा जब आप डालते हैं तो दोस्तों वो रैम में ही स्टोर होता है। और कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले, मतलब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो बूट होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, वो किसके थ्रू होता है, बायोस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और बायोस किस में होता है, रोम में। तो दोस्तों कंप्यूटर चलाने के लिए आपके पास रैम और रोम का होना जरूरी होता है।
इसी तरीके से इंटरनल क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही टाइप की मेमोरी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होती है, तो मदरबोर्ड के ऊपर है इसलिए अपन इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और ये एक चिप होती है इसलिए अपन इसको सेमीकंडक्टर चिप या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है दोस्तों, रैम में और रोम में। रैम जिसके पार्ट है SRAM यानी कि स्टेटिक रैम है अपने पास, और DRAM मतलब कि डायनामिक रैम है। इसी टाइप से आपके पास रोम है जैसे कि पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ईपी रोम है यानी कि आपके पास यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ईपी रोम है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और आपके पास फ्लैश ईईपी रोम और मास्क यहाँ पर रोम भी है, तो अपन इसको आगे वापस डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है यानी कि मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में एक अपने पास मेन मेमोरी होती है दोस्तों, दूसरी अपने पास क्या हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी है तो ये दूसरी वाली सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल होती है, मदरबोर्ड के बाहर है, जैसे इसमें अपन मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करेंगे या मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क आएगा, यहाँ पर CD है, DVD है, BRD है, या मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड पे डायरेक्ट अटैच नहीं होते, ठीक है, यानी कि ये अपन किसी केबल के थ्रू किसी वायर के थ्रू अपन कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड से, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कौन सी होती है, रैम और रोम होती है। तो ये भी आपके पास मेमोरी इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन इसमें आप क्या करते हो, अपना स्टोरेज, अपन इसको एज अ स्टोरेज यूज करते हैं, तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ये एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर इन्हीं को लेकर के, एक एक करके अपन इनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था रैम। रैम की फुल फॉर्म अपन जानते हैं दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या काम करता है, अपन इसको बोलते हैं एक तो वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जैसे ही अपना कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं अभी अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, आप PPT देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर अचानक से मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए तो जितना भी मैंने काम किया है ये अभी लास्ट मेरा सेव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी फाइल को सेव करते हैं, सेव करने से पहले आपका डेटा तो है आपके कंप्यूटर में, लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी डेटा को ये होल्ड करता है, कब तक करता है, जब तक कि आपका सिस्टम ऑन है या आपने उसको सेव नहीं किया है, ठीक है, तब तक वो आपका डेटा पड़ा रहता है। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो जाएगा उसका डेटा बिल्कुल खत्म, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम दोस्तों, जब भी हम हमारे कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, लाइक अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा पहले कहाँ जा रहा है, मेमोरी में। मेमोरी कौन सी है, वो दोस्तों रैम है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब अपन कुछ टाइप करते हैं, अपन जब कुछ भी इंस्ट्रक्शंस भेजते, तो वो डेटा कहाँ जाता है, पहले अपने रैम में जाता है। रैम से वो फिर प्रोसेस होने के लिए CPU के पास जाता है, और CPU से वापस रिजल्ट भी दोस्तों अपना रैम में ही आता है। रैम से उसके बाद उसको अपन आउटपुट डिवाइस पे भेजते हैं। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं दोस्तों, रैम फिर से दो टाइप की है। एक है आपके पास DRAM जिसको अपन डायनामिक रैम बोलते हैं, और एक आपके पास होता है SRAM जिसको अपन स्टैटिक रैम बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें डेटा आपका काफी देर तक पड़ा रहता है, मतलब जब तक आप अपना कंप्यूटर बंद नहीं करते हो तब तक उसमें डेटा पड़ा रहता है। तो अपन अगर जब रैम के बारे में बात करते हैं कि भाई वो आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी है, उसमें जो डेटा अपन ने स्टोर किया वो परमानेंट पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसको बंद नहीं कर रहे हो, मतलब वैसे तो टेम्परेरी होता है लेकिन एक लंबे टाइम तक रहता है जब तक आप खुद उसको बंद नहीं कर रहे हो या सिस्टम आपका ऑन है तब तक पड़ा रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटिक है। स्टेटिक और डायनामिक में दूसरा डिफरेंस क्या आता है दोस्तों, डायनामिक क्या होती है, ये बार बार रिफ्रेश होती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक रूम है, उस रूम में आप बैठे हैं, मैं कहता हूँ एक बार बाहर जाइए इसकी क्लीनिंग होगी, फिर आप वापस आके बैठे, फिर से 2 मिनट बाद बोलता हूँ फिर से बाहर जाइए फिर से क्लीनिंग होगी, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगा, स्लो होगा। तो दोस्तों DRAM जो है, डायनामिक रैम जो है, वो बार बार रिफ्रेश होती है, और रिफ्रेश होने की वजह से दोस्तों ये बहुत स्लो भी होती है, ये सस्ती भी आती है आपके पास। दूसरा आपके पास आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में डेटा आपका पड़ा रहता है, वैसे तो टेम्परेरी है ये, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक रहता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें डेटा पड़ा रहेगा, इसलिए ये फास्ट है, ये बार बार रिफ्रेश नहीं होता, और ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है आपके पास। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं रैम के बारे में ही कि ये वॉलेटाइल मेमोरी थी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रैम मैंने बताया था अभी आपको, SRAM और DRAM है, स्लो और फास्ट है आपके पास में। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास डायनामिक रैम के बारे में बात करें, दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। जो DRAM है वो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से मिलकर के बनती है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम मेमोरी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सेस
अनटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करने वाले हैं मेमोरी एक्सेस टाइम को लेकर के। तो जहां आपका डेटा कहीं पड़ा है वहां से आप जो डेटा एक्सेस करते हो, एक्सेस का मतलब रीड एंड राइट दोनों होता है, तो उसमें जो लगने वाला टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्सेस टाइम। तो ये उसके ऊपर भी ये काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं टूडेज डीरेम चिप हैव एक्सेस टाइम, ठीक है, तो आपके पास अभी जो है वो करीब 20 से 70 नैनो सेकंड्स की स्पीड पे आपकी रैम काम करती है। दूसरा आता है आपके पास स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है दोस्तों, इसको अपन कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मेमोरी आपके पास होती है। दीज आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड ऑफर्स फास्टर एक्सेस टाइम। इसका एक्सेस टाइम जो है वो डायनामिक रैम से फास्ट है, ज्यादा है, अबाउट 10 नैनो सेकंड्स आपके पास ये रहता है। तो इसमें टाइम जो है आपके पास में एक्सेस टाइम वो बहुत ज्यादा कम लगता है, इसलिए ये फास्ट है, डी रैम आपके पास स्लो है। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं आपके पास नेक्स्ट आता है रैम के बाद रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, रोम वैसे तो आपके पास एक चिप होती है, एक हार्डवेयर होता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक प्रोग्राम डाला हुआ होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम, ठीक है। रोम क्या है, हार्डवेयर है, एक चिप है जिसके अंदर दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं अपन, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में जब अपना रोम बनता है उस टाइम पर उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल के दे दिया जाता है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब हर बार जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपकी बायोस जो है, बायोस सेटिंग्स आपने कभी नाम सुना होगा, तो बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है कहाँ पड़ा है, उसकी लोकेशन क्या, उसको मेमोरी में लोड करवाने का काम होता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोम, ये भी इसलिए मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो रोम रेफर्स टू कंप्यूटर मेमोरी चिप्स, कह सकते हैं कंटेनिंग परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा। तो इसमें आपका जो डेटा है वो परमानेंट और सेमी परमानेंट होता है। वैसे परमानेंट ही अपन बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बार जो बायोस डाला गया है वो हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन कहते हैं, जब पी रोम के बाद अपन पढ़ेंगे अभी ईपी रोम, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, एक बार आप उसको इरेज करके भी वापस से भी प्रोग्राम आप डाल सकते हो। इसलिए ये परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा कह सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म में अगर मैं आपको कहूं तो दोस्तों इसमें परमानेंट है, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में कभी चेंजेस नहीं करा। 8 साल 10 साल जितना भी आप कंप्यूटर चलाते हो आप उसमें चेंजेस नहीं करते हो, मतलब आप उसको डिलीट करके वापस उसके अंदर नया सॉफ्टवेयर नहीं डलवाते हो रोम में, ठीक है। तो रोम इसी तरीके से कह सकते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू किलोबाइट्स ऑफ कोड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू व्हेन इट स्टार्ट्स अप। इसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है, बहुत छोटा सा कोड होता है जो ये बताता है कि हमारा कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करवाना है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इस टाइप से आपके पास एक चिप होती है, इस चिप के अंदर अपने पास एक प्रोग्राम डाला हुआ होता है और ये चिप वापस अपने मदरबोर्ड के ऊपर अटैच कर दी जाती है। इसी तरीके से कह सकते हैं रोम के टाइप कौन कौन से, तो दोस्तों पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर ना एक प्रोग्राम डाला है, कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों, बायोस। कौन सा सॉफ्टवेयर है, बायोस। क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करवाता है, ठीक है, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस होता है, बूटिंग कौन करवाता है, हमारा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या है सॉफ्टवेयर का नाम दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बायोस। किस में पड़ा होता है दोस्तों, रोम के अंदर। तो रोम के ना अलग अलग टाइप है, एक है पी रोम जिसमें पहले से ही बायोस डाल करके कंपनी ने दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसके अंदर रोम के जो है इसके डेटा को चेंज करवाना चाहते हैं, मतलब आपके पास अगर इस टाइप की रोम है, ईपी रोम है, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इस टाइप की रोम के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो पहले से बायोस आया है अपन उसके बाद कभी उसको हटवा करके दूसरा सॉफ्टवेयर भी अपन डलवा सकते, लेकिन उसके लिए आपके पास वैसी रोम का होना जरूरी है। आपके पास जो ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों ही इरेजेबल होती है। इसका मतलब क्या है, सेकंड जो आप देख रहे हैं ईपी रोम यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। तो इससे ऊपर वाले कैसे इरेज करते हैं दोस्तों, जो आपके पास ईपी रोम होती है सेकंड नंबर पे आप जो देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये यूवी रेस के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू यानी कि पराबैंगनी किरणों के थ्रू अपन इसके डेटा को इरेज करवा सकते हैं। लेकिन जो आपके पास बाद में आप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम जो कि देख रहे हैं, तो ये अपन फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब कि जैसे अपन पेन ड्राइव अटैच करके अपन फॉर्मेट करते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप से आप यहां पर उसको इलेक्ट्रिकली इरेज करवा सकते हो, जबकि इससे पहले वाला आप यूवी के थ्रू इरेज करवाते हो। तो ये आपके पास मेन जो है वो इस टाइप के रोम आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं, अपन के पास दोस्तों एक, जब अपन कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक अपने पास आता है रैम, ठीक है, रैम, और दूसरा अपने पास क्या होता है, अपना सीपीयू जो एक्चुअल में डेटा को प्रोसेस करता है।
तो देखिए, रैम का जो डेटा जाता है प्रोसेस होने के लिए वो हमेशा सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू और रैम के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है। इस इमेज को देख करके आप समझ सकते हैं, एक साइड में रैम है, एक साइड में सीपीयू है। तो दोस्तों क्या होता है, सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है और रैम अगर कंपेयर करें तो बहुत स्लो होती है। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की स्पीड तो स्लो हो जाएगी, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, हमारे स्पीड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, रैम का जो डेटा है वो भेजा जाता है कैशे मेमोरी के पास। तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, रैम और सीपीयू के बीच में कैशे मेमोरी भी है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, डेटा आकर के रखा जाता है, मतलब रैम से डेटा हमेशा कहाँ आता है, कैशे मेमोरी के पास, और सीपीयू फिर उस कैशे मेमोरी से डेटा को उठाता है। एक कॉन्सेप्ट है कैशे मेमोरी, मतलब कह सकते हैं एक टाइप की मेमोरी होती है जिसमें कुछ किलोबाइट तक का डेटा अपन रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 2 किलोबाइट तक का डेटा अपन रख सकते हैं। क्या करता है दोस्तों ये कैशे मेमोरी, क्या करती है, रैम और सीपीयू के बीच में लगती है, जिससे क्या होता है, रैम का डेटा कैशे में आता है और सीपीयू वापस कैशे से डेटा उठाता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा, कैशे भी एक टाइप की मेमोरी होती है, बट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जब देख रहे थे रैम और रोम तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में कैशे मेमोरी को भी अपन यूज करते हैं। कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने स्टोरेज यूनिट, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो होते हैं। ठीक है, यानी कि एक अपने पास क्या था, प्राइमरी मेमोरी, और एक अपने पास क्या, सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी, उसको अपन स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं, जिसमें अपना डेटा परमानेंट सेव होता है। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। आप बहुत सारा डेटा परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर भी। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो परमानेंट सेव है, मतलब कंप्यूटर बंद कर दूंगा, 10 दिन बाद भी देखूंगा तो दोस्तों ये वीडियो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने कहां स्टोर किया होगा, मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, या शायद क्लाउड स्टोरेज पे भी आप डाल सकते हैं, जैसे आजकल गूगल ड्राइव और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस अवेलेबल। कौन कौन से दोस्तों, एक है मैग्नेटिक टेप, एक जमाने में अपन यूज करते थे, आजकल अपन यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, मैग्नेटिक टेप के बाद आता है मैग्नेटिक डिस्क, इसमें फिर से दो पार्ट अपने पास हो जाते हैं, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, इसको भी आजकल अपन यूज नहीं करते, जैसे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क जो आती थी, अपन अभी देखेंगे आगे। एक आता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है, जैसे पेन ड्राइव और अपने मोबाइल में जैसे मेमोरी कार्ड होता है वो। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों अपने पास मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कुछ इस टाइप से अपने पास होती है, इसको अपन कई जनरल फॉर्म में कई बार अपन कैसेट्स भी बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक टेप है, इसके अंदर जो रील्स अपन कहते हैं, जो रील आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, और ये रील्स घूमते हुए एक जगह से दूसरे वाले पे जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वहां आपका डेटा जाता रहता है, और बीच में इसके बीच में एक हेडर लगा होता है जो डेटा को रीड करता है। आई होप आपके घर में भी शायद ये हो सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं। एक जमाने में हम लोग करीब कह सकते हैं करीब 15 साल 20 साल पहले अपन इसको यूज किया करते थे, उसके बाद सीडी डीवीडी का जमाना आ गया 2005 के आसपास से, तो फिर उसके बाद अपन ने इसको यूज करना छोड़ दिया। शायद कहीं पड़ी हो, या कहीं आपने देखा होगा कि जो एक टाइम पे, यानी कि पहले जब लोगों की शादी होती थी, उनकी जो कैसेट्स बनती थी, ठीक है, आपने शायद नाम सुना होगा, सिर्फ कैसेट्स अपन कहते हैं, तो वो अपन इसमें डेटा स्टोर करके रखते थे। तो इसमें जो डेटा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अपने पास कह सकते हैं डेटा तो परमानेंट अपना स्टोर है, उसकी जो एक्सेसिंग है, मतलब डेटा का एक्सेस मोड है, वो सीक्वेंस होता है, मतलब पहले अगर पहला गाना चल रहा है, उसके बाद सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड सॉन्ग, फिर फोर्थ सॉन्ग, इस तरीके से एक एक करके आप इसको लेते हैं, मतलब ये रैंडम एक्सेस नहीं है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो रील है, इसके अंदर यानी कि जो टेप है, मैग्नेटिक टेप, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड होता है। इसके बाद अपन कह सकते हैं लगभग 60 MB से लेकर के 185 TB, अच्छे से सुनना दोस्तों, 185 TB तक का इसका स्टोरेज है। 185 बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब आज के टाइम पे मैं कहूँ तो आज भी इसको यूज किया जाता है। बहुत सारा डेटा जब अपन स्टोर करते हैं, तो वो डेटा अपन स्टोर करते हैं यहाँ मैग्नेटिक टेप में। इस टाइप की टेप तो नहीं होती, लेकिन वो थोड़ी इससे बड़ी साइज की होती है, और उसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। 185 TB तक का डेटा अपन स्टोर करते हैं, बैकअप्स के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है स्लोएस्ट मेमोरी, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्वेंशियल है। मैंने आपसे कहा था पहले फर्स्ट सॉन्ग चलेगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, आपको आगे पीछे करना है तो आप उसको फॉरवर्ड करके फिर आप अपने सॉन्ग्स को आगे या कर सकते हैं। तो इस टाइप से ही आपके पास स्लोएस्ट मेमोरी होती है।
नेक्स्ट आता है आपके पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है दोस्तों, अपने पास एक होती है हार्ड डिस्क और एक होती है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क को लेकर के। तो हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से आप देखते हैं, ये एक इंटरनल हार्ड डिस्क है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। तो ये कौन सी दोस्तों? इंटरनल हार्ड डिस्क। एक एक्सटर्नल भी होती है, कुछ इस टाइप से दिखती है, यानी कि ये यूएसबी बेस्ड होती है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करके डेटा का बैकअप लेकर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजिली मूव कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क है। फ्लॉपी भी होती है दोस्तों, लेकिन अब बिल्कुल अपडेटेड हो चुकी है। इसके बाद आता है आपके पास ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है पिट्स और लेंस में। पिट्स और लेंस क्या होता है दोस्तों? तो अपन कह सकते हैं कि जब अपन सीडीज के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डॉट बनते हैं। वो जो डॉट्स होते हैं उसको अपन कहते हैं पिट्स, और जो बीच में स्पेसेस होते हैं उसको अपन कहते हैं लेंस। पिट्स में दोस्तों 1 स्टोर होता है और लेंस मतलब 0 अपने पास होता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग सीडीज जो है वो इस तरीके से देख करके बता देते हैं कि इसके सीडी के अंदर डेटा स्टोर है या ये एम्प्टी सीडी है। तो वो कैसे पता चलता है? उसमें जो डॉट्स डॉट्स मिलकर के एक लाइन जैसा शेप आपको दिखता है, तो आपको लगता है इसके चारों ओर एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये सीडी फिल हुई हुई है। इसका मतलब है उसमें पिट्स और लेंस बन जाते हैं। एक सीडी जो है मतलब अपन कह सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क के तीन अलग अलग फॉर्म बताने वाला हूं। फर्स्ट है आपके पास सीडी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो लगभग 700 एमबी तक का डेटा स्टोर करती है। उसके बाद आता है डीवीडी। डीवीडी की दोस्तों दो फुल फॉर्म होती है, एक जिसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क और एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 जीबी होती है। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं बीआरडी, यानी कि ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क जो है उसकी साइज जो है वो 25 जीबी तक होती है। 25 जीबी तक की आप वीडियोस इसके अंदर या डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं इमेजेस से, एक है दोस्तों सीडी, दूसरा है डीवीडी और तीसरा आपके पास है बीआरडी। ठीक है, ब्लू रे डिस्क। इसी तरीके से एक नाम सुनते हैं दोस्तों वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। एक सीडी के अंदर दोस्तों अगर आपने कुछ डेटा डाल दिया है, एक बार आपने उसको स्टोर कर दिया, तो बार बार आप उसके डेटा को रीड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार में, कई बार कुछ कार में अभी भी एक सीडी चल रही है, तो एक जमाने में दोस्तों सीडी में कुछ गाने डाल दिए, तो उस सीडी को अपन जितनी बार भी प्लेयर में डालेंगे उतनी बार वो डेटा आप वापस या वो सॉन्ग आप बार बार सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो वॉर्म है, मतलब राइट वंस रीड मैनी फीचर्स देता है। एक सीडी आरडब्ल्यू भी होती है। आरडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? री राइटेबल, मतलब आपने एक बार उसमें डेटा डाल दिया है, आप उसको इरेज करके फिर से आप जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर से आप उसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से एक नाम आता है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वो प्लेयर जिसमें अपन अपनी सीडी डालते हैं वो रीड करता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन नाम है। इसी तरीके से आपके पास आता है दोस्तों फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव। ठीक है, फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव 127 मैक्सिमम। मैक्सिमम दोस्तों 127 पेन ड्राइव आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक ही टाइम में। अब इतने तो स्लॉट्स नहीं होते, तो आपने देखा होगा हमारे सिस्टम में आगे 2 स्लॉट्स हैं और पीछे जो है कई बार किसी सिस्टम में 4 या किसी में 6 स्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा कैसे करें? तो आपने देखा होगा कई बार जो है अपन कह सकते हैं फोटोकॉपी शॉप पे अगर आप गए हो, तो वहां पे क्या है, कनेक्टर होता है, एक यूएसबी कनेक्ट कर रखी होता है, आगे वो 4 पॉइंट लगे होते हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 127 पेन ड्राइव हो सकती है। जैसे दोस्तों मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, मेरे पास वहां 2 प्रिंटर कनेक्ट है। एक मेरे पास कलर प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है मैंने, एप्सन का भी है अपने पास और ब्रदर का भी, तो दोनों मैंने उसमें कनेक्ट कर रखे। इसके अलावा एक कीबोर्ड एक माउस हो गया, तो 4 तो अपने पास ये सीधे जाते हैं। अब कई बार दोस्तों मेरे को 1-2 पेन ड्राइव भी उसमें कनेक्ट करनी होती, तो वो 6 स्लॉट्स हो गए। अचानक से अगर बीच में एक मुझे और कनेक्ट करनी हुई तो अब तो ऑप्शन है ही नहीं, स्लॉट्स ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, एक अपने पास कह सकते हैं एक टाइप का कनेक्टर आता है, वो कनेक्टर के थ्रू अपन मोर देन 1 अपन उसमें एक ही स्लॉट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ए और बी जो ड्राइव होती है अपने कंप्यूटर में, अपन कहते हैं ना सी ड्राइव डी ड्राइव, तो ए और बी रिजर्व होती है दोस्तों फ्लॉपी के लिए। इस चीज को याद रखना, ए और बी किसके लिए है? फ्लॉपी के लिए। उसके बाद सी से शुरू होता है हार्ड डिस्क, सी डी ई जितने भी है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों अपने पास कह सकते हैं कि सीडी की, डीवीडी की और ब्लू रे डिस्क, जो भी आपके सिस्टम है। लाइक मेरे पास अगर डीवीडी है तो मेरे पास सी डी और ई के बाद आ जाएगा एफ, और उसके बाद सीडी डीवीडी के बाद आपके पास चांस आती है दोस्तों फ्लैश मेमोरी की, पेन ड्राइव की। तो पेन ड्राइव जो है उसका नंबर जो है वो बाद में, मतलब ड्राइव जो है वो लास्ट ड्राइव आपके पास आती है। इस टाइप से आपके पास ये जो है वो एक सैंडिस्क की पेन ड्राइव है।
में अपन बात कर सकते हैं दोस्तों, एक और होता है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड आप लोग जानते हैं दोस्तों, दो टाइप के होते हैं, एक छोटा वाला एसडी जिसको अपन बोलते हैं सिक्योर डिजिटल, ठीक है, एक आपके पास होता है एमएमसी जिसको अपन बोलते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। तो एक छोटा कार्ड आता है जिसको अपन कहते हैं एसडी, ठीक है, और एक आता है आपके पास एमएमसी है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया कार्ड और सिक्योर डिजिटल दो टाइप के आपको कार्ड भी देखने को मिल जाते हैं, इस टाइप से आपके पास कार्ड है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है। जैसे मैं कह रहा था आपको कि रैम से डेटा जो है वो सीपीयू के पास आ रहा है, सीपीयू से डेटा वापस रैम के पास जा रहा है, कभी कैशे में आ रहा है, तो डेटा आ कैसे रहा है, हार्ड डिस्क से डेटा आपके पास कैसे रैम में आता है, रैम कैसे प्रोसेस करवाने के लिए सीपीयू को पास भेजता है डेटा, तो डेटा का ट्रेवल किस तरीके से होता है, ट्रेवर्सल जो है वो किस तरीके से होगा, ये अपन देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड मतलब क्या, जैसे एक मदर बोर्ड, ठीक है, आपके घर में आपने देखा होगा कई बार वो टीवी का रिमोट अगर खराब हो गया, बच्चों के कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ खिलौने हैं खराब हो गए, तो एक अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, एक चिप होती है जिसपे गोल्डन कलर के वायर्स भी आपने देखे होंगे, बहुत पतले पतले से वायर आपने देखे होंगे, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं ग्रीन बोर्ड है या मेन बोर्ड है या सर्किट बोर्ड है, कुछ भी कह सकते हैं, उसी को अपन कंप्यूटर सिस्टम में क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो वायर्स होते हैं, ठीक है, जो उस बोर्ड के ऊपर वायर है वो उसको कहते हैं अपन इंटरनल बस, और एक एक्सटर्नल वायर जो आपके पास होता है, जैसे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं जब अपने कंप्यूटर के साथ, तो आप क्या करते हैं यूएसबी स्लॉट्स को यूज करते हुए एक वायर होता है जिसको अपन ओटीजी केबल कहते हैं, वो आप कनेक्ट करते हैं, तो यूएसबी एक स्लॉट भी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस मतलब क्या है, वायर है, ठीक है। द सिस्टम बस, अपन क्या डिस्कस करें, सिस्टम बस, सिस्टम बस मतलब क्या हो गया, सिस्टम के वायर्स। द सिस्टम बस इज अ पाथवे कंपोज्ड ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स यूज्ड टू कैरी डेटा बिटवीन अ कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, मतलब सीपीयू और रैम के बीच में डेटा का ट्रेवर्सल जब आपके पास होता है वो किसके थ्रू होगा, या तो किसी कनेक्टर्स के थ्रू या किसी केबल्स के थ्रू, तो वो जो पाथवे अपने पास होता है जिसके थ्रू डेटा आता या जाता है वो क्या कहलाता है, सिस्टम बस कहलाता है। दोस्तों सिस्टम बस जो है अपने पास अलग अलग टाइप के होते हैं, पहले तो अपन एक इमेज में देख लेते हैं, मदरबोर्ड में जो आपको गोल्डन कलर के वायर्स दिख रहे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, अपने सिस्टम बस। अब देखिए ये भी अपने पास एक वायर है, एक केबल है जिसमें अपन जो कह सकते हैं एक प्रिंटर की केबल मैंने यहाँ पर ली है, एक साइड में प्रिंटर के पीछे का स्लॉट्स अपन कनेक्ट कर सकते हैं और एक अपने सीपीयू के पीछे यूएसबी की केबल है, तो ये भी एक केबल है जो क्या करती है, डेटा को लेकर के आती है कंप्यूटर से अपन लेकर के जा रहे हैं प्रिंटर के पास, स्कैनर से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जो केबल होती है वो भी आपके पास क्या होती है, सिस्टम बस ये, ठीक है। तो बस जो है वो आपके पास अलग अलग टाइप की हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल तो होती है। अगर अपन बात करते हैं इसमें से अगर इंटरनल बस के बारे में भी अगर अपन देखें तो दोस्तों बस फिर से अपने पास तीन टाइप की होती है, एक होती है डेटा बस जो क्या करता है, डेटा को कैरी करता है, एक होता है कंट्रोल बस जो डेटा का कंट्रोल करता है। इसको मैं एक सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, एक और भी आपके पास होता है एड्रेस बस, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। तो दोस्तों मेरे पेन ड्राइव में ना कुछ गाने भरे हुए हैं, ठीक है, मतलब कुछ सॉन्ग्स हैं मेरे पास और मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, उसमें से मैंने 5-7 सॉन्ग्स को सेलेक्ट करके वीएलसी प्लेयर में मैंने सपोज वो सारे गाने प्ले कर रखे हैं। अब क्या हो रहा है दोस्तों, फर्स्ट सॉन्ग चल रहा था, अचानक मैंने पेन ड्राइव बाहर निकाल दी, तो मेरे वीएलसी प्लेयर में वो सारी लिस्ट आ चुकी थी कि भाई सॉन्ग नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, तो वो एक्चुअल में क्या डेटा लेकर के आया था कि केवल एड्रेस लेकर के आया था। दोस्तों वो केवल एड्रेस था, जैसे मैंने पेन ड्राइव निकाली वो गाना जैसे खत्म हुआ पर्टिकुलर, या बीच में से वो वापस वहां से डेटा मिल नहीं रहा है, उसको डेटा लेकर के कैसे आए, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वहां पर जो है कंट्रोल किया जाता है, मतलब डेटा बस क्या करता है पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा लेकर के आता है, एड्रेस बस क्या करता है केवल वहां से एड्रेस लेकर के आता है, और उस एड्रेस पे वो डेटा है या नहीं है, कितना डेटा आ गया है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, अपना कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके पास बसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से आज तो जो है वो अपन इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक था मेमोरी, मेमोरी यूनिट बताया, टाइप्स ऑफ मेमोरी बता दिया आपको, सिस्टम बस मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन इतना ही देखने वाले हैं, कोई भी इश्यूज हो दोस्तों, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी टाइप का आपको अगर कोई डाउट है तो आप चाहें तो दोस्तों यहां पर मेरे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जितना हो सके आप पॉजिटिव कमेंट मुझे दीजिए जिससे कि एक मोटिवेशन मुझे मिलती रहेगी। इसी तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियोस भी आपके सिस्टम तक पहुंच पाए उसके लिए दोस्तों आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।